नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहदी अली रियासत टीवी खबरनामे से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, कुछ दिन से GHMC की जानिब से 10,000 रुपये जो बरसात में जिसके घर तबाह हो चुके हैं, जो परेशान है, उन सबको GHMC की जानिब से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मगर कुछ ज़रूरतमंद लोग को आज तक और अभी तक उनका हक नहीं मिल चुका। कुछ बड़े लोग अपने अपने आधार कार्ड और अपने फ़ोन नंबर दे के OTP आ जा रहा है उस फ़ोन पे, उसकी तरफ से GHMC जो सही तरह से जांच पड़ताल नहीं कर सक रहा और उन लोग को पैसे मिल जा रहे हैं। दूसरे जो गरीब आवाम है उन सबको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आवाम इतनी परेशान है, जिसका हक मिलना है उसको हक नहीं दिया जा रहा है। ये आप सुन सकते हैं उन लोगों की ज़बानें जो वो जो अपनी हालात बोल नहीं सक रहा है, हम इस तरह परेशान हैं। मगर कुछ चंद लोग, बड़े लोग जो अपने अपने आधार कार्ड बतला रहे हैं, ये गलत है और आप लोग ऐसा मत करिए। जिसका पैसा है उसको हम उसके तरफ तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। वो पानी को भी कोई केयर नहीं करे, मंदिर है बल्कि कोई केयर नहीं करे, बोल के बोले और हमारे कोई पैसे वैसे नहीं मिला। हमारे पैसे दे दिए तो हम लोग को ऐसा फिरते है भिखारियों को, ऐसा हमारा हक हमारे देने के वास्ते तुम लोगों क्या परेशानी है? अपने अपने घरों में तो रख लेने की चीज नहीं है ना? ये गरीबों के पैसे गरीबों को दे दो, हम आते भी नहीं तुम्हारे पास। फिर हम लोग तेलुगु देशम पार्टी से हैं। मैं प्रोफेसर ज्योत्सना स्वप्ना ठाकुर जी, यहाँ पे उप्पुगुड़ा अपना कंदिकल गेट और कृष्णा रेड्डी नगर तुम्बंडा यहाँ सब आके देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा, क्या कर रहा यहाँ का सरकार। 10,000 रुपये जो हम लोग हर एक घर को, जो ये फ्लड्स के तरफ से नुकसान आया उसके तरफ से एक एक घर को हम देंगे। जो जो नुकसान उस घर में हुआ, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसको हम लोग 50,000 देंगे, अगर घर नीचे गिर गया तो उसको हम लोग 1,00,000 रुपए देंगे। ऐसे बड़े बड़े बात करने वाला ये सरकार आज के तारीख में अपने लोगों को यहाँ पे, जो मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे साथ देख रहे हो आप, इतने सारे लोग जो हैं इसमें मेरे ख्याल से 20-30% तक तो भी लोगों को भी मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। जो 100% हम अभी जाते जाते वो लोग बोल के गए, कहते हैं 100% यहाँ पर तुम्बंडा में हो गया, अभी पैसा कुछ भी नहीं देना हम लोगों को तुम्बंडा में, बोल के गए उन लोग। मगर यहाँ पर मेरे ख्याल से अब हम लोग बात भी करें 20-30% लोगों को ही मिला, उसके अलावा नहीं मिला। और उसमें भी 10,000 के जगह 10,000 रुपये दिए बोल के साइन करा रहे और वो लोग दे रहे 9,000, 9,500, 6,000, 7,000, 8,000, इस हिसाब से दे रहे हैं। आज के तारीख में लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके हैं, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस हालत में भी लोगों से जो ये लूटमार कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा तो भी अकल रहना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे के आपको ये जो इन लोगों का पैसा आप लोग खा रहे, आपको क्या बोलना, आपके समझ पे रोक छोड़ दे रहे। और MLA साहब, यहाँ के जो MLA साहब है, आपको हम लोग ये इसलिए दिखाना चाह रहे हैं। सर आप वहाँ पे होंगे, शायद आपको पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा यहाँ पे, मगर आपके जो यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर है आज तक यहाँ पे अंदर आके ये नहीं देखे किसके घर में कितना नुकसान हुआ, किसको क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखे। अभी हम लोग वहाँ पे कृष्णा रेड्डी नगर है ना, कृष्णा रेड्डी नगर में जाके देख के आए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके इलेक्ट्रिक पोल्स है वहाँ पे, हम लोगों को शॉर्ट मार रहा बोल रहे। तीन चार दिन से उन लोगों को खाने को भी नहीं है। कल रात में कोई एक NGO आके उन लोगों को खाना दे के, चावल दे के गए। ये हालत है और ये जब 10,000 रुपये दे रहे आप अपने जेब से नहीं दे रहे कॉरपोरेटर साहब, ये आपके दिमाग में आप यहाँ पे ये लगा लो कि आप अपने दिमाग अपने हाथ से नहीं दे रहे हैं, अपने जेब से नहीं दे रहे। और जो भी ये 10,000 दे रहे हैं वो सरकार के तरफ से आ रहा है, तो सरकारी लोग बांटना है उसको। आपके पास जो भी एक ये यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि एक इंसान आया, एक दो तीन लोग आए, दो तीन लोग आए, वो लोग आके यहाँ पे बांट रहे, जिसको मर्जी में आए उनको बांट रहे पैसे। ये नहीं है इस घर को नुकसान हुआ, इस घर में ये रहने वाले हैं उनको देना है बोल के नहीं है। बाहर से भी लोग, ये हमारी बात नहीं है, आप पूरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं। जो यहाँ का रेजिडेंट है उनको तो मेरे ख्याल से 20-30% लोगों को ही मिला,
बाकी के 70-80% लोगों को नहीं मिला। तो ये पैसा जो है इनका हक बनता है, वो पैसे के ऊपर ये पैसा जो है इनका हक है, इनके लिए सरकार रिलीज करा सो पैसा है, इसको भी खाया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे इस जगह से हम लोग यही डिमांड करते हैं कि आप अगर तुम मंडा में हो गया आपका पैसा देना हो गया बोल के आप लोग करें, तो ये 120 या 150 या कितने घरों को भी आप पैसा दिए हो सो हो, वो जो लिस्ट है आप पहले उसको बाहर रखो, वो लिस्ट को दिखाओ हम लोगों को, जिस जिसका घर है वो लिस्ट हम लोग देंगे आपको, जिसका घर का नंबर क्या है, उस घर में कौन रहते हैं, उनका हालत क्या है, वो हम लोग आपको लिख के ऑलरेडी ये लोग दिए सो है और फिर देंगे हम लोग। जो हम जो जिस जिसको आप पैसे दिए हो वो लिस्ट बाहर करो, अगर आप लिस्ट बाहर नहीं करोगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में जाता है। फ्लड रिलीफ के ऊपर जो आप यहाँ पे एक धंधा चला रहे हो ना, वो क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर जाते हैं और आपके ऊपर पुलिस में भी केस हो सकता है, हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। अगर आप इमीडिएटली यहाँ पे आके लोगों को जिनको मिलना है, जेन्युइनली जिनको पैसा मिलना है, जेन्युइनली जिनको पैसा ज़रूरत है, जेन्युइनली जिसका घर टूट गया है, जेन्युइनली जिसके घर में 4 दिन पानी रहा है, जेन्युइनली जिसके घर में बच्चों के लिए खाने तक भी खाना नहीं था, पीने तक की दूध नहीं था, पानी नहीं था, उनके लिए आप अगर हेल्प करना चाह रहे हो तो फिर से एक बार आके देखिए। और MLA साहब से ये गुजारिश है, सर आप एक बार इस जगह पे आके देखिए इनका क्या हाल हो रहा है, देखिए एक बार, ये गुजारिश हम करते हैं। और दूसरी बात है, हम जैसा बोले अगर आप कल सुबह तक इनको जो लिस्ट है वो दीजिए, वो लिस्ट जिस जिसको पैसा बांटे यहाँ पे वो लिस्ट दीजिए, नहीं तो वो लिस्ट कैसा हमको पाना है वो भी हम लोग जानते हैं। बल्दिया के वाले अगर वो पैसा दिए हो तो बल्दिया के पास वो लिस्ट रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है उसका मतलब है आप वहाँ पे कुछ तो भी हेरा फेरी करे हो। फिर से मांग रहे हम लोग कल सुबह तक वो लिस्ट यहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको दिखाइएगा। अगर लिस्ट आपके तक नहीं आए तो आप हमको फिर बताइएगा कल दोपहर तक, हम आके उसके ऊपर जो भी है केस करने की भी कोशिश करेंगे। मैडम लोगों की शिकायत यहाँ पे है 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें से 2-3,000 रुपये कम दिया जा रहा है बल्कि बताया जा रहा है, तो उसके तरफ से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वही हम लोग अभी मैं वही बोल रही हूँ आपको कि हम लोग जिस जिस से बात करें, जो भी 20-30% लोगों को जिसको भी पैसा मिला सो है, वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हमको हमारे से जो सिग्नेचर ले रहे हैं वो 10,000 दिए बोल के ले रहे हैं, और जो हमको दे रहे हैं कोई 500 कम दे रहा है, कोई 1,000 कम दे रहा है, कोई 2,000 कम दे रहा, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर हिसाब हम लोग पूछेंगे तो उनके ऊपर फाउल लैंग्वेज के साथ, फिल्थी लैंग्वेज के साथ उनके ऊपर बात किया जा रहा है। और जैसे जैसे बच्चे हैं जो जो थोड़ा ज़ोर से पूछ रहे हैं उनको इवन हाथा पे उनके ये भी क्या बोलते हैं मारपीट भी होने की आशंका है, ऐसे भी बोल रहे थे बच्चे। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं 10,000 रुपये जो दे रहे हैं KCR साहब वो अपने जेब से नहीं दे रहे, ये पैसा जो है लोगों का ही पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है, 10,000 उनको देना है। अगर नहीं दिए, हम लोग आज पूरा घूमे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, एक एक लिस्ट जो है आपके पास वो लिस्ट आप बाहर रखिए, जिस जिसको आपने पैसा दिया वो लिस्ट आप बाहर रखिए, उसके हिसाब से जिसको जितना पैसा मिला हम लोगों को भी पता चलेगा ना, अगर उसमें कुछ कमी फरती हुई होगा, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगा तो हम बिल्कुल उसके ऊपर पुलिस में केस दर्ज कराएंगे। मैडम और एक आपसे है, लोग बता रहे हैं यहाँ पे 1,000 को नहीं मिल रहा, जिस दिन पानी नहीं आया उनको भी दे दे रहे बोल के बताया जा रहा है, और तकरीबन जो लीडर्स हैं उनके जान पहचान में उनको दिया जल्दी दे दे रहे बोल के बता रहे, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका? हम इसीलिए अपने पार्टी की तरफ से हम लोग ये पूछ रहे हैं, हमको लिस्ट दो पहले, जिस किसी को भी आपने पैसा दिया हो वो लिस्ट पहले आप ओपन करो ना, करेगा तो पैसा वो लिस्ट आप हमको दिखाओगे तो पता चलेगा किसको दिया किसको नहीं दिया, क्योंकि बल्दिया वाले तो आए नहीं देने के लिए पैसे, कोई कॉरपोरेटर साहब के कोई है जो आए हैं आके दिए सो हैं पैसे, तो वो किसको दिए, अपने वालों को दिए या फिर सही में जो हकदार है उनको दिए, वो नहीं पता चल रहा। इसलिए हम लोग बार बार ये मांग रहे हैं हमको लिस्ट दिखाओ बोल के हम मांग रहे हैं, अगर आप लिस्ट नहीं दिखाओगे तो उसमें जाए वो बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस हो जाएगा कि आपने उसमें वहाँ पर कुछ तो भी गोलमाल किया होगा, इसीलिए हम लोग बार बार पूछ रहे हैं लिस्ट आप बाहर रखो। अगर लिस्ट आप बाहर नहीं रखोगे तो कल फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल वो लिस्ट आने तक हम लोगों का यही चलता रहेगा और हम लोग उसके ऊपर फाइट करते रहेंगे।